एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आगे था एक रेसिपी लेकर। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे कैरी की लॉन्जी, जो बहुत टेस्टी लगती है, बनाना बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कच्ची कैरी ली थी, उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। फिर हमने यहाँ पे सॉफ्ट ऑलमंड्स भी लिए थे। उसके बाद सबसे पहले हमने उसको अच्छे से पील कर लेना है। अच्छे से हमने कच्ची कैरी को अच्छे से पील कर लेना है। जितना भी इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे और गिट तक को हम रिमूव कर देंगे। अच्छे से आप इसको यहाँ पर चॉप कर लें, और इस अच्छे से मैश्ड बनती है, तो आप जितने भी साइज में चॉप करें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा रखें चाहे बड़ा, नॉर्मल है। आप इसको अच्छे से चॉप कर लें। उसके बाद जो है हम गिट्टक को जो है रिमूव कर देंगे इसमें से, और यहाँ पे हम डालेंगे सरसों का तेल कढ़ाई में, थोड़ा सा जीरा, सौंफ, कलौंजी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, और पानी डालकर के जो मसाले जले ना, हमने कच्ची कैरी को ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। फिर इसमें पानी डालकर के ढक के रख देंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पे 15 मिनट बाद चेक किया तो अच्छे से गल चुकी थी, आप देख सकते हो। फिर हमने शुगर ऐड कर दिया यहाँ पे 3 चम्मच, इतनी क्वांटिटी के हिसाब से, और खट्टी मीठी सी बनती है। और इसको अच्छे से कलर देने के लिए ब्राउन हमने भुना हुआ जीरा भी ऐड कर दिया, और ये बनके बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और हम इसको निकाल लेंगे और गार्निश कर देंगे सोक आमंड के साथ। इनको शॉप कर लिया तो बहुत टेस्टी लगती है रोटी परांठा के साथ। समर स्पेशल रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।